मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2024 की साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, यह बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो, यह बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया कि जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच। भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है, नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। तो बिगड़ शरीर के तो कोई भोगना भोग ही नहीं सकती, इसलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान उवाच। मन मना भव। देह सहित देख के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं कि मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब कुछ भगवान करता है, पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परमात्मा है। 24 अवतार, कच्छ मच्छ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे? ये तो रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोझरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है, अब तुम बच्चे घोर सोझरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए, पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत ना लागी बार, एक सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? ये है बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवास है ना,
तो गायन है कि मैं गरीब निवाज हूँ, भारत सबसे गरीब है, मैं आता ही भारत में हूँ, इनको आकर साहूकार बनाता हूँ, भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं, समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, अभी समझते हैं कि भारत बहुत गरीब है इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी असामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है इसलिए मूंझते हैं, भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने किया ब्रह्मा ने किया ना, तो पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही और कहाँ ये गदाई। कहा भी जाता है फॉलो फादर, भूख मरने की तो बात ही नहीं, बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो, बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं, बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो, सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते और दुख में सिमरन सब करते हैं, अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरन करो, तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है, बाबा कहते मैं ही आकर तुमको बतलाता हूँ। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ती जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है, जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने का जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है, अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है, कैसे निकलेगी, बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना, यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिमान तुम मुझे ही कहते हो, कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिकिलदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो, आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे न सके, कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो, सन्यासी उदासी गुरु गोसाई कोई भी नहीं जानते, अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब फिर नई स्थापना होती है, बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है, आगे तुम नहीं जानते थे, कोई से भी जाकर पूछो कि तुम रचयिता और रचना के आधी मध्य अंत को जानते हो तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो, एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर क्रिएटर प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते हो तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे। हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आती हैं तो जरूर ये नाटक ही है ना, गीता है माता बाप है शिव बाकी सब है रचना, गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है, यह भी किसी को मालूम नहीं कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं, नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो, अभी यह है पुरुषोत्तम संगम योगी दुनिया, यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है, यह है ही संगम, ब्राह्मणों को चोटी है, विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं,
ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं और ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय, द्वापर में पेट के पुजारी फिर शूद्र बनते हैं, यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो, यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है, हम ऐसे चक्र लगाते हैं, यह राइट चित्र है कि वह रॉन्ग है, बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके, इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो, सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, यह सत्संग है सत्य बाप के साथ, वह है झूठ संग, सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं, भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि परमात्मा की महिमा है, वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो बाप की याद में रहते हो, यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो, यह तो पुरानी दुनिया पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है, तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो, भगवान फिर तुमको कहते हैं कि तुम ट्रस्टी बनो, भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं, आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है, अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है, पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को, बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं, बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा, बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है, और फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है, वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े, सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा, यह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है, ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा ही है, एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं, वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो, वह ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता, पाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में, यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आई, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले ये सुनते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है, यहाँ भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था, दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो, राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति, प्यारे बाबा मीठे बाबा मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है, पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो, और सेकंड पॉइंट है संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है,
कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतु करना है, रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। बाबा ने आज वरदान दिया, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभव बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। ओम शांति।